घर में प्रेगनेंसी करने के लिए बाहर हमें हर छोटे शॉप में, मेडिकल शॉप में किट्स मिलते हैं, उसे प्रेगनेंसी टेस्ट का किट बोलते हैं। अगर वो किट आप घर में ला के प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो सबसे आइडियल टाइम, सबसे सही टाइम सुबह का यूरिन टेस्ट करना सबसे करेक्ट होगा। तो वो यूरिन टेस्ट के लिए आपको बाहर जो किट्स मिलते हैं उनका नाम वेलोसिट, प्रेगा न्यूज, प्रेगा सेट, ऐसे आई श्योर, ये तरह तरह के प्रेगनेंसी टेस्ट के नाम है। ये अगर आप ये किट अगर घर पे लाएंगे तो वो किट अगर आप एग्जामिन करेंगे तो वहां पे एक राउंड, एक वेल सा एक राउंड स्ट्रक्चर है और एक रेक्टेंगल शेप में एक बॉक्स रहता है। तो अगर यूरिन हम पकड़ के 3 से 6 ड्रॉप वो वेल में डालेंगे और 1 या 2 मिनट के लिए आप वेट करेंगे तो वो रेक्टेंगल बॉक्स जो रहता, वो बॉक्स के अंदर 2 लाइन अगर आएंगे तो वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव का मतलब हम समझ सकते हैं। अगर 1 लाइन आता है तो उसका मतलब है कि वो नेगेटिव है। तो वो 2 लाइन में एक सी लाइन है और एक टी लाइन है। अगर सी लाइन एक ही आया है तो वो नेगेटिव है। सी लाइन और टी लाइन दोनों भी अगर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है। अगर टी लाइन एक ही पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब है कि वो कार्ड इनवैलिड टेस्ट है। तो ये याद रखना जरूरी है कि फर्स्ट यूरिन सैंपल से ये टेस्ट करेंगे तो उसका सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होगा, और पीरियड मिस होने के 2 या 3 दिन बाद करेंगे तो उसका सेंसिटिविटी भी ज्यादा होगा। ये अगर हम घर पे करेंगे तो हमें इतना तो पता लगेगा कि प्रेगनेंसी है या नहीं। अगर एक लाइट सा लाइन आए तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी अभी अभी से शुरू हो रहा है, आपको हॉस्पिटल जाने का जरूरत है, क्योंकि वीक पॉजिटिव रिजल्ट्स में कभी कभी प्रेगनेंसी यूट्रस से बाहर भी आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आप पैनिक होना नहीं, आप ज्यादा सोचना नहीं। जैसे ही अगर आपको वीक लाइन भी दिखे तो अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां पे आपको एक ब्लड टेस्ट, बीटा एचसीजी कह के एक ब्लड टेस्ट करेंगे। वो ब्लड टेस्ट में जो खून का वैल्यू प्रेगनेंसी को बताएगा वो ज्यादा करेक्ट होगा। तो घर पे आप ये वेलोसिट या प्रेगा न्यूज या आईशोर, ये कोई भी घर पे लाके टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला है उसके हिसाब से अगर आप जाके ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपका प्रेगनेंसी कंफर्मेशन हो जाएगा।